नमस्कार दोस्तों, मुंबई से एक बड़ी खबर अभी निकल के आई है जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बात यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा तो दे दिया, उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी, ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसे हुए थे। अनिल देशमुख बचने के लिए क्या करते हैं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं और वहाँ पे एक याचिका दायर करते हैं। और अनिल देशमुख ऐसा चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, उनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ऐसा बोल सकता है कि आप फलाना फलाना डेट तक कोई भी कार्रवाई ना करो अनिल देशमुख के खिलाफ। लेकिन बहुत अच्छी खबर दोस्तों ये है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला आया है और अनिल देशमुख की ये जो याचिका थी इसे खारिज कर दिया गया है। और अब सीबीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करो, और सिर्फ अनिल देशमुख नहीं, जितने सारे लोग ये जो वसूली केस है इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप इन सब के खिलाफ कार्रवाई करो और अपना जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करो। और जस्टिस एसएस शिंदे, जिनका नाम आप काफ़ी बार आप लोग सुने होंगे, उन्होंने आज ये फैसला किया है। उसका फैसला देने से पहले दोनों पक्षों की बात इन्होंने सुनी है, सीबीआई और अनिल देशमुख दोनों की बात सुनने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर अनिल देशमुख के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक अन्याय होगा और पूरा जो सिस्टम है उसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये जो वसूली के जो आरोप है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और अगर अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो नहीं पाएगी। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को छूट दिया है। अब जैसे सीबीआई को पहले रोक टोक देने की बात हो रही थी, लेकिन अब सीबीआई को छूट दिया गया है और उनको बोला गया है कि आप काम करो और सिर्फ अनिल देशमुख नहीं, बाकी जितने सारे लोग वसूली केस में जुड़े हैं उन सब के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए और कोर्ट में जो फाइनल रिपोर्ट है उसे सबमिट कीजिए। ये बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ है। जैसे आपको याद है कि सचिन वाजे का नाम वसूली केस में आया था और बहुत सारे शिवसेना के जो नेता है उनके नाम भी वसूली केस में आए थे। तो अगर ईडी और सीबीआई पूरी छानबीन करे और जितने सारे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो कोर्ट उसको कोऑपरेट करेगी, कोर्ट कभी भी उनके बीच नहीं आएगी, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी और सीबीआई को अपनी जो कार्रवाई है वो करने की छूट दी गई है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अब सीबीआई और ईडी किनको पकड़ेगी, किनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कितने जल्दी हम अनिल देशमुख को जेल में देख पाएंगे। इसी मामले में और भी जो अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे जो रेगुलर अपडेट्स है वो आप तक पहुंचते रहे। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर। जय हिंद।